जय हो गंगा मैया की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ गढ़गंगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ ज़िले में स्थित है। ये अभी दोस्तों कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। 8 अक्टूबर 2023 का दिन सबसे शुभ है स्नान करने के लिए दोस्तों, इसलिए आप सभी लोग दोस्तों 8 तारीख को गंगा माँ के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सबसे कम समय में आप दिल्ली से गढ़गंगा कैसे दर्शन और स्नान करके एक दिन में वापस लौट सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। खर्चा दोस्तों सिर्फ 300 रुपये में, मात्र 300 रुपये में आप दिल्ली से गढ़गंगा आप घूम के आसानी से कम समय में आप वापस जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ चलें गढ़गंगा। दोस्तों आप देख रहे हो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। दोस्तों यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं घर से खाना पीना खा के रेडी होके दोस्तों सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। अब यहां से दोस्तों मैं करंट रिजर्वेशन करवाऊँगा स्लीपर क्लास की। दोस्तों दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन, इसका नॉर्मल किराया है स्लीपर में 140 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों मैं टिकट ले चुका हूँ काशी विश्वनाथ ट्रेन की, जो सुबह एवरी डे 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जाती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से बनकर बनारस के लिए जाती है। दोस्तों मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ। काशी विश्वनाथ ट्रेन दोस्तों अपने सही टाइम पे 11:35 पर यहाँ से निकल चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। दोस्तों ये ट्रेन हमें 1:25 पर दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन उतारेगी। दोस्तों अगर आप सिंगल हो, अगर अकेले जा रहे हो दोस्तों, इस ट्रेन में जनरल बोगी भी है, आप जनरल टिकट लेकर भी आप जा सकते हो। जनरल टिकट दोस्तों 50 रुपये की है, आप 50 रुपये की टिकट कटा के आप 2 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हो। 1:25 जब मैंने आपको बताया गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन उतार देती है ये ट्रेन। गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन से पहले दोस्तों 3 रेलवे स्टेशन और पड़ेंगे जहां पर ये रुकते हुए जाती है। नई दिल्ली से दोस्तों ये निकलती है तो गाजियाबाद रुकेगी, उसके बाद दूसरा स्टॉप इसका पिलखुआ है, उसके बाद दोस्तों हापुड़, उसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर आता है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और पिलखुआ रेलवे स्टेशन दोस्तों हम पार कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों हम हापुड़ पहुँच चुके हैं। यह है हापुड़ रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन में रुकी हुई है। दोस्तों ये 2-2 मिनट का स्टॉप लेती है। दोस्तों 2 मिनट गाजियाबाद, 2 मिनट पिलखुआ और 2 मिनट हापुड़ रुकेगी, उसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर हमारा स्टेशन आ जाएगा। दोस्तों हापुड़ से दोस्तों हम निकल चुके हैं। हापुड़ से रेलवे स्टेशन से निकलते ही दोस्तों आपको यहाँ पर गन्ने की खेती दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, आप जहाँ जहाँ नज़र डालोगे आपको सिर्फ गन्ने ही गन्ने नज़र आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो सारे गन्ने हैं। दोस्तों ट्रेन से दोस्तों आपका 2 घंटे का सफ़र बहुत ही अच्छा कट जाएगा। आप इस तरह शानदार खेती और नज़ारे देखते हुए आप गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचेंगे। दोस्तों हम गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हो गई है। अभी यहाँ से दोस्तों मुरादाबाद लखनऊ होते हुए बनारस को जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पर ठीक 1:35 पर दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। 7-8 मिनट हमारी ट्रेन लेट है दोस्तों, इतना तो चलता है। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर से हमें बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ से डायरेक्ट गढ़गंगा के लिए बैटरी रिक्शा नहीं मिला, तो मैं यहाँ से दोस्तों जाऊँगा गढ़ मुक्तेश्वर बस अड्डा, जो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शेयरिंग में आप जाओगे बैटरी रिक्शा से तो आपसे वो 10 रुपये चार्ज लेगा और आपको बस अड्डे के पास चौक पर छोड़ देगा। इस चौक का क्या नाम है दोस्तों, चौपाल ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप रेलवे स्टेशन के बाहर जब रिक्शे वाले के पास बैठेंगे तो आप रिक्शे वाले से बोल देंगे मुझे बस स्टैंड जाना है, तो आपको यहीं पर ला के दोस्तों चौक पर छोड़ देगा। ये चौक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये बड़ा सा गेट है दोस्तों, ये निशानी है। अब यहाँ से दोस्तों हम दोबारा शेयरिंग रिक्शा करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमें जाना है गढ़। इस चौक से गढ़ की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। शेयरिंग में दोस्तों 10 रुपये चार्ज है, 10 रुपये चाहे आप
बैटरी रिक्शा जाइए चाहे आप ऑटो से जाइए, 10 रुपये ही चार्ज है दोस्तों गढ़ तक का। दोस्तों आप बैटरी रिक्शा या टेम्पो या ऑटो से किसी से भी आप जा रहे हैं तो आप ऑटो वालों को बोल देना कि मुझे ब्रिज घाट जाना है, तो आपको गढ़ का हाईवे है, हाईवे के नीचे आपको उतार देगा दोस्तों। उस हाईवे के नीचे से दोस्तों आपको ब्रिज घाट के लिए आपको टेम्पो मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों ब्रिज घाट की दूरी लगभग 3 या 4 किलोमीटर है दोस्तों, जो आपसे शेयरिंग में 20 रुपये लेगा। और दुनिया भर के दोस्तों वहाँ पे कन्वेंस आपको मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप एक जगह दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से घूम सकते हो, यहाँ आप उतरो दूसरा मिल जाएगा, वहाँ उतरो दूसरा, आप आराम से पहुँच सकते हो, इसलिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। गढ़ से ब्रिज घाट का नॉर्मल किराया है शेयरिंग में दोस्तों 20 रुपये, टेम्पो वाला आपसे लेगा 20 रुपये में, आप दोस्तों ब्रिज घाट पहुँच जाओगे। रेलवे स्टेशन से ब्रिज घाट की दूरी लगभग दोस्तों 7 किलोमीटर है दोस्तों। बस हम पहुंचने ही वाले हैं ब्रिज घाट। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ब्रिज घाट, यहां पर दोस्तों आपको ऑटो वाला यहीं पर छोड़ देगा दोस्तों। ये है दोस्तों ब्रिज घाट तीर्थनगरी। अब यहां से हम घाट पे जाएंगे, यहां से घाट 100 मीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से घाट तक दोस्तों मैं शेयरिंग रिक्शा से दोस्तों 40 रुपये में यहाँ तक पहुँच गया हूँ दोस्तों। घाट के किनारे दोस्तों आपको ये मार्केट मिल जाएंगी, मार्केट के बीच से होते हुए हम घाट की तरफ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों प्रसाद ले सकते हो, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो दोस्तों हम घाट पर पहुँच चुके हैं, आप दर्शन कर लीजिए गंगा माता के। दोस्तों मेरे साथ मिलकर बोलिए गंगा माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। दोस्तों अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है दोस्तों मेरी घड़ी में 12:25, हमको ट्रेन ने दोस्तों 11:35 पे वहाँ उतारा था। और वहाँ से दोस्तों शेयरिंग में यहाँ पे देखो मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट में दोस्तों यहाँ पे पहुँच गया हूँ घाट पे, और आसानी से आप देख सकते हो दोस्तों मैं अभी घाट पे ही हूँ। दोस्तों ये देख रख सकते हो घंटा घर, जैसे हरिद्वार में घंटा घर है वैसे ही दोस्तों यहाँ का पूरा लुक और नज़ारा आपको हरिद्वार जैसा ही लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप हरिद्वार में हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कितना शानदार ये घाट है दोस्तों। यहाँ पर बोट भी चलती है, आप बोट के द्वारा उस तरफ जाकर भी, उस किनारे जाकर भी आप स्नान कर सकते हो दोस्तों। घाट किनारे आपको दोस्तों खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप खाना पीना भी करना चाहें तो आप कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों मैंने गंगा माँ के दर्शन कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बोट चल रही है, यहाँ पर मोटर बोट, आपको कई प्रकार की बोट यहाँ मिल जाएंगी, जहाँ पर बोट का सिर्फ नॉर्मल किराया है पर पर्सन 100 रुपीज़। आपको पूरा घाट के किनारे उस तरफ भी और इस तरफ दोनों किनारों भी दोस्तों चक्कर लगाएगी, आपको गंगा किनारे घुमाएगी नाव, पर पर्सन 100 रुपये चार्ज है दोस्तों। आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर बोटिंग ज़रूर करें दोस्तों, बड़ा आनंद आता है। अब यहाँ से दोस्तों घर के लिए मैं गंगा जल ले जाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों आपको, अगर डब्बे नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर डब्बे ख़रीद सकते हो और यहाँ से गंगा जल भर के आप ले जा सकते हो दोस्तों। दोस्तों अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 4:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर 12:25 पे दोस्तों यहाँ पहुँच गया था, तकरीबन 4 घंटा दोस्तों मैंने इस घाट पे बिताए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्नान भी कर लिया है, शॉपिंग वगैरह भी कर ली है घर के लिए। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों 4 घंटा समय बहुत ही पर्याप्त है, 4 घंटा बहुत होता है दोस्तों। स्नान करना, गंगा जी दर्शन करना, शॉपिंग करना, बोटिंग करना, दोस्तों 4 घंटे में आप बहुत ही आसानी से आप कर लोगे दोस्तों। अब मैं यहां से वापसी जाऊंगा दोस्तों। आप गंगा जी के किनारे से ही सीढ़ियाँ लगी हुई हैं फ्लाईओवर चढ़ने के लिए। ये ब्रिज है दोस्तों जो गंगा जी के ऊपर से गया हुआ है। ब्रिज के ऊपर से दोस्तों आपको ऑटो टेम्पो मिल जाएंगे, जैसे दोस्तों मैं आया था वैसा ही वापस जाऊंगा। यहां से पहले हम गढ़ पहुंचेंगे, फिर गढ़ से दोस्तों चोपला चौक जो बस स्टैंड है गढ़ मुक्तेश्वर का वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे शेयरिंग में। दोस्तों आप चाहें तो दिल्ली से डायरेक्ट यहां बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हो। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसें हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों बस में भीड़ भाड़, ये ट्रैफिक जाम, बहुत समय आपको लग जाएगा यहाँ पे, तकरीबन पहुँचने में आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा दोस्तों बस के माध्यम से अगर आप आते हैं तो। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचना है तो आप मुरादाबाद या बरेली वाली जो बस आती हैं उन बसों पे बैठना, क्योंकि वो बस डायरेक्ट ब्रिज घाट होकर ही मुरादाबाद बरेली के लिए निकलती हैं। तो आप बस वाले से बोल देंगे कि मुझे ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर जाना है, तो आपको ब्रिज घाट
के ऊपर, गंगा के ऊपर फ्लाईओवर पे ही आपको उतार देगा ब्रिज के ऊपर दोस्तों। अगर दोस्तों दिल्ली से आप गढ़ के लिए, गढ़ मुक्तेश्वर के लिए बस लेते हैं तो आपको गढ़ मुक्तेश्वर बस अड्डा जो है आपको वहाँ पे उतार देगा, फिर वहाँ से दोस्तों आपको शेयरिंग ऑटो या रिक्शा करके आपको यहाँ पे फिर आना होगा। रोडवेज बस में दोस्तों दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर नॉर्मल ही किराया है दोस्तों 150 रुपये, 150 रुपये में आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों मैं अभी इस समय रेलवे स्टेशन पर हूँ। वहाँ से दोस्तों मैं 4:30 बजे निकला था गंगा घाट से। दोस्तों अब यहाँ क्या टाइम हो रहा, अब दोस्तों यहाँ बज रहे हैं 5:30, 5:30 बजे दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो शाम की 6:41 की दोस्तों मेरी ट्रेन है पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस। यह ट्रेन दोस्तों मुरादाबाद के रास्ते होकर आती है, यहाँ पर पहुँचती है 6:41 पे दोस्तों। यह ट्रेन दोस्तों प्रतिदिन चलती है। दोस्तों मैं ट्रेन आ चुकी हूँ, मैं ट्रेन में ऑलरेडी बैठ चुका हूँ दोस्तों, और मेरी ट्रेन दिल्ली के लिए दोस्तों निकल चुकी है। इस ट्रेन में दोस्तों मैंने एडवांस टिकट बुक कर रखी थी, इसमें 2S सीटिंग का नॉर्मल किराया है दोस्तों, आप एडवांस में बुक कर सकते हैं 80 रुपये पर पर्सन। गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन से दिल्ली शाहदरा का दोस्तों 80 रुपये पर पर्सन किराया है, आप एडवांस में बुक कर सकते हो दोस्तों। ये ट्रेन दोस्तों आपको दिल्ली शाहदरा पे को रात को 9:08 पर दोस्तों आपको दिल्ली शाहदरा पहुँचा देगी। ये ट्रेन दोस्तों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाती है, लास्ट स्टॉप इसका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अगर आप पुरानी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाने का टाइम है इसका 9:25। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को दोस्तों लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय गंगा मैया। हम फिर मिलेंगे।